Hello guys, how are you all? So today we will be studying the third chapter of 6th NCERT Science, Fiber to Fabric. What is fiber and what is fabric? आज हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि फाइबर क्या होता है और हम फाइबर की हेल्प से फैब्रिक कैसे बनाते हैं. फैब्रिक हम कपड़े को बोलते हैं जो हम अपनी रोज़ डे टू डे लाइफ में पहनते हैं या यूज़ करते हैं. तो कभी आपने भी देखा होगा किसी कपड़े को, तो उसे अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको उसके अंदर फाइबर्स दिखेंगे. वो फाइबर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, देखिए फिगर 3.2 में एनलार्ज्ड व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक. ठीक है, अगर आपके पास कोई फैब्रिक है और उसे आप बहुत ज़्यादा क्लोजअप से देखेंगे तो आपको उसके थोड़े थोड़े से लूज थ्रेड्स यानी कि यार्न्स दिखाई देंगे. तो लूज थ्रेड को हम यार्न्स बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. सो सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल. ठीक है, आप कोई सा भी कॉटन फैब्रिक ले सकते हैं और उसके अंदर के जो यार्न्स प्रेजेंट हैं, जो लूज थ्रेड होते हैं, आप उनको देखिए, गौर से देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे दिखते हैं. सो फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं फिगर 3.3 में कैसे आपको यार्न्स विजिबल हैं. अगर आप इनको स्ट्रेच करते हैं और कॉटन के क्लोथ में से यानी फैब्रिक में से इन स्ट्रैंड्स को निकालेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रैंड्स दिखेंगे जिनको हम यार्न्स बोलते हैं. फिगर 3.4 में आप देख सकते हैं स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स, तो आपको वो स्ट्रैंड्स दिखेंगे. उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, हम सबके घर में नीडल एंड थ्रेड होता है, तो कभी भी आप ट्राई करना थ्रेड को जब हम नीडल के अंदर डालना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर से और ज़्यादा थिन थिन स्ट्रैंड्स निकल आते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से नीडल में थोड़ा सा अंदर जाने में प्रॉब्लम होती है. फिर हम उन स्ट्रैंड्स को थोड़ा सा स्टिक करते हैं ताकि वो एक जगह रहें और फिर हम उसको अंदर जो इंसर्ट कर देते हैं. तो यही थिन स्ट्रैंड्स होते हैं थ्रेड के, जो और भी थिनर थिनर स्ट्रैंड से बने होते हैं और उसी का नाम होता है फाइबर, तो हम उसी को फाइबर बोलते हैं. सो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. तो ये हमें ध्यान रखना है कि फैब्रिक यार्न्स का बना होता है और यार्न्स भी और छोटे छोटे स्ट्रैंड्स का बना होता है जिसको हम बोलते हैं फाइबर्स. अब हमें पता करना है वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं. द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ हमें कहाँ से मिलती हैं ये सारी चीज़ें, ये फाइबर्स, ये फैब्रिक्स. तो ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलते हैं और इनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स. सो कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. तो ये कॉटन और जूट हमें प्लांट से ही मिलता है. वूल और सिल्क फाइबर्स जो होते हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. या हमें पता ही है हमें वूल कहाँ से मिलता है और हमें सिल्क कहाँ से मिलता है. सो वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट. ये हमें पता ही है हमें वूल जो है शीप और गोट से मिलता है. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, हमें रैबिट्स के हेयर से भी, याक एंड कैमल्स, इन सारी चीज़ों से जो कि एनिमल्स ऑब्टेन की जाती है, हमें ये वाले फैब्रिक्स मिलते हैं. और सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, तो सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. तो हमें ये सारी बातें ध्यान में रखनी है कि हमें कहाँ से क्या मिलता है. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. पहले हमारे पास synthetic fibers नहीं होते थे, सिर्फ natural fibers होते थे और उन्हीं की मदद से we used to make the fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. तो हाँ, इस तरीके की चीज़ें जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की सोर्सेज से नहीं मिलती थी वो फिर बाद में मिलनी शुरू हो गई और उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. इनके एग्जांपल्स हैं पॉलिएस्टर, नायलन एंड एक्रेलिक.